पेश है हिंदी जबान में अपडेट। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारत अल्पसंख्यकों के लिए एक खतरनाक देश बन गया है। अल्पसंख्यकों को शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा आर्थिक रूप से राज्य संरक्षण में आतंकित किया जा रहा है। अल्पसंख्यकों को भारत में हिंदुत्व बलों के हाथों व्यवस्थित प्रकार के दमन का सामना है। मोदी के शासन में मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों तथा निम्न जाति के हिंदुओं के उत्पीड़न में कई गुना वृद्धि हो गई है। अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा तथा आतंक भारत में दिनचर्या का भाग बन चुका है। लव जिहाद एंटी कन्वर्शन लॉ का लक्ष्य भारत में दमित अल्पसंख्यकों को आतंकित करना है। बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में भारत में अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों को उजागर किया गया है। भारत में अल्पसंख्यकों पर बढ़ते आक्रमणों ने भारत के तथाकथित सबसे विशाल प्रजातंत्र के दावों का पर्दाफाश कर दिया है। फासिस्टवादी मोदी भारतीय नीतियां हिंदुत्व के आधार पर गठित कर रहा है। भारत में मोदी सरकार की पक्षपातपूर्ण नीतियों के कारण अल्पसंख्यक समुदाय निरंतर भय की स्थिति में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आरएसएस समर्थित मोदी भारत को इसके अल्पसंख्यकों से मुक्त करने के अपने मिशन पर है। विश्व को भारत में इसके अल्पसंख्यकों की यातनाओं का नोटिस लेना चाहिए। भारतीय अल्पसंख्यकों के मूल मानव अधिकारों को निश्चित बनाने हेतु सार्वभौमिक समुदाय के सक्रिय होने का समय आ गया है।